नमस्कार, मैं मधुमिता और इस वक्त मैं हाजिर हूँ एक बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि 2019 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए पुलवामा हमले की साजिश रची गई। फरवरी 2019 में पुलवामा हमले में सीआरपीएफ के 44 जवान मारे गए थे। कांग्रेस नेता ने ये भी कहा कि भारत तभी बच सकता है जब मोदी राज खत्म होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि घर में घुसकर मारेंगे। कांग्रेस नेता ने सवाल किया कि पुलवामा हमला कैसे किया गया। कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि कांग्रेस ने पंजाब में सभी तरह के माफियाओं को खत्म करने का काम किया। हमने अकाली दल को भी हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। क्या हम मोदी को खत्म नहीं कर सकते? कहा कि मेरा गांव पाकिस्तान से सिर्फ 5 किलोमीटर महज दूर, हमें पाकिस्तान से कभी डर नहीं लगता। मोदी साहब कहते हैं कि घुसकर मारेंगे और देखिए पुलवामा हमला कैसे हो गया, इसकी जांच की जानी चाहिए। आज तक हमें ये पता नहीं चला कि वो कैसे मारे गए। क्या ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं हुआ? रंधावा ने जयपुर की पब्लिक रैली में ये बातें कही। रंधावा ने ये भी कहा कि 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हमला होता है और सीआरपीएफ के 44 जवान मारे जाते हैं। इसके बाद भारत ने 26 फरवरी को बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया, जबकि उसी साल अप्रैल और मई में लोकसभा के चुनाव हुए। कांग्रेस द्वारा दिए जा रहे धरने के दौरान कांग्रेस नेता ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट का भी हवाला दिया। रंधावा ने पार्टी नेताओं से आपसी खींचातानी भी खत्म करने की अपील की है, क्योंकि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है, जबकि इस साल के अंत में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि अगर मोदी सत्ता में रहते हैं तो भारत खत्म हो जाएगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि आप अपनी लड़ाई को दूर कीजिए और मोदी राज के खात्मे के बारे में सोचिए, यदि मोदी रह जाते हैं तो भारत खत्म हो जाएगा। ये कहते हैं कि उनके जैसा कोई देशभक्त दूसरा नहीं, जबकि मोदी देशभक्त का मतलब तक नहीं जानते हैं। क्या बीजेपी के किसी नेता ने आजादी की लड़ाई लड़ी है? रंधावा ने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच की मांग करती है और इसके लिए संयुक्त संसदीय समिति बनाई जानी चाहिए। रंधावा ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह मोदी अडानी को लेकर आए हैं जो भारत को बर्बाद कर रहा है। यदि मोदी राज का खात्मा होता है तो अडानी अपने आप खत्म हो जाएगा। मोदी देश को बेच रहे हैं। हमारी लड़ाई अडानी से नहीं, हमारी लड़ाई बीजेपी से। कांग्रेस सत्ता में आती है तो अडानी और अंबानी साथ नहीं आएंगे, वे जेल जाएंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने इन आरोपों को नकार दिया है और कहा है कि उन्होंने मातृभूमि और देश का अपमान किया है। साथ ही प्रधानमंत्री पद की गरिमा भी इंसल्ट की है। पूरा देश इससे व्यथित है। इसी तरह की बड़ी खबरों पर हमारी बनी रहेगी नजर। देखते रहिए 24x7 लाइव टीवी। नमस्कार।